अवर टू डेज़ टॉपिक इज़ अबाउट एक्सपोनेंट आज हम एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बेस और एक्सपोनेंट में क्या डिफरेंस है जैसे कि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है जब वो रिपीट हो रही हो तो हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए जैस एग्ज़ाम्पल सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन ये हमारे पास थ्री टाइम्स सेवन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं सेवन डिज पावर थ्री सेवन पावर थ्री थ्री हमें शो करता है कि सेवन को हमने थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किया है वी रीड इट एज अ सेवन टू द पावर ऑफ थ्री यानी सेवन की पावर थ्री वे सेवन इज़ द बेस और थ्री इज एन एक्सपोनेंट और इंडेक्स यानी आपकी जिसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है वो आपकी बेस होती है और जिस जितनी टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना होता है वो आपका एक्सपोनेंट होता है द एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर इंडिकेट अज हाउ मेनी टाइम अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई विद इट सेल्फ यानी नंबर जो है वो अपने साथ कितनी बार मल्टीप्लाई होगा ये हमारी बेस होती है और आपके साइड पे जो नंबर होता है एक्सपोनेंट ये हमें बताता है कि हमने बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है सिमिलरली 11 इंटू इलेवन कैन बी रिटर्न एज एलेवन टू विट मीन्स कि इलेवन की पावर क्या है टू इलेवन को कितनी बार हमने लिखा है टू बार लिखा है टू बार मल्टीप्लाई करना है हमने फ्रॉम द अवर एग्जाम्पल वी कैन कंक्लूड दैट इफ़ नंबर ए इज़ मल्टीप्लाई विद इट सेल्फ एन वन टाइम्स देन द प्रोडक्ट विल बी ए एन दैट इज़ ए एन इंटू ए इंटू ए इंटू ए यहाँ पे क्या है कि जब आपके पास सपोज़ करें कि ए आपके पास जो है वो बेस है और एन आपके पास नंबर है कि कितनी बार आपने उसको मल्टीप्लाई करना है अपने ही नंबर के साथ तो इसको हम पढ़ेंगे ए टू द पावर ऑफ़ एन एन एनथ पावर ऑफ़ ए वेयर ए इज़ द बेस एन इज़ इज़न एक्सपेरेंट यानी ए आपको बताएगा बेस कि जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है और एन इज़ और एक्सपेरेंट कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे एक्सप्रेस करेंगे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री अब आपकी बेस जो है वो सेम है तो आप बेस को एक बार लिख देंगे और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वन टू थ्री थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोगों ने लिख दिया माइनस थ्री इंटू थ्री यहाँ थ्री हमारी बेस है और माइनस थ्री हमारी बेस है और थ्री जो हमारा वो एक्सपोनेंट है सेकेंड में हमारे पास टू जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मतलब टू जो है वो सेवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप बेस टू लिखेंगे और मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट में सेवन लिखेंगे क्योंकि टू जो है वो सेवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वन बाई फोर इंटू वन बाई फोर इंटू वन बाई फोर इंटू वन बाई फोर यानी वन बाई फोर फ़ोर टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास तो वन बाई फोर को हम एक बार लिखेंगे और उसकी एक्सपोनेंट को फोर टाइम्स लिखेंगे विच मीन्स ये फ़ोर टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस सेवन बाई ट्वेल्व इंटू माइनस सेवन बाई ट्वेल्व यानी माइनस सेवन बाई ट्वेल्व हमारा टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे एक बार लिख के उसकी पावर लिख देंगे टू विच मीन्स के ये टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द ईच नंबर हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट कौन सा है थर्टीन के जो पावर ट्वेंटी फाइव अब इसमें जो आपकी थर्टीन है जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है वो आपकी बेस होती है और जो आपकी पावर या एक्सपोनेंट होता है पावर जो होती है जो आपकी साइड वैल्यू होती है वो आपकी एक्सपोनेंट होती है तो इसमें थर्टीन आपकी बेस है और ट्वेंटी फाइव इज़ योर एक्सपोनेंट सेकेंड है माइनस सेवन बाई अब से माइनस सेवन बाई इलेवन इज योर बेस एंड नाइन इज़ योर एक्सपोनेंट एम है तो ए आपकी बेस है और एम आपका एक्सपोनेंट है माइनस फोर ट्वेंटी सिक्स इज दावर इलेवन एलेवन इज योर एक्सपोनेंट एंड माइनस फोर ट्वेंटी सिक्स इज योर बेस ए बाय बी एन यानी ए बाय बी इज योर बेस एंड एक्सपोनेंट एन इज़ योर एक्सपोनेंट माइनस एक्स बाई वाई जो माइनस एक्स वाई बाई एक्स वाई एक्स बाई वाई है वो आपकी बेस है और इज़ योर एक्सपोनेंट नेक्स्ट आपकी जो एग्ज़ाम्पल है राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म आपने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपके पास है माइनस फाइव रिज टू पावर थ्री इट मीन्स कि माइनस फाइव थ्री टाइम्स आपने लिखना है फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव थ्री टाइम्स लिखा फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव फाइव से वन ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस माइनस तो आपका आंसर आ गया माइनस वन ट्वेंटी फाइव टू बाई थ्री की पावर टू इट मीन्स कि टू बाई थ्री को आपने टू टाइम्स लिखना है टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री टू टू जै फोर एंड थ्री थ्री जैन नाइन यह आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया नेक्स्ट है माइनस वन बाई फोर इसकी पावर फोर है इट मीन्स आपने इसको फोर टाइम्स लिखा वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन आंसर वन आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस आपके पास आंसर प्लस में आ गया फोर फोर ज़ार सिक्सटीन सिक्सटीन फोर हज़ार सिक्सटी फोर सिक्सटी फ़ोर फोर हज़ार टू फिफ्टी सिक्स का आपके पास आंसर आया वन बाई टू फिफ्टी सिक्स तो इस तरीके से हमने इन पावर्स को इन एक्सपोनेंट और बेसिस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया लॉज ऑफ़ एक्सपोनेंट एंड इंडस हमारे पास कुछ लॉज हैं क्योंकि एक्सपोनेंट को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लॉज ऑफ़ एक्सपोनेंट को भी अंडरस्टैंड करें तो किस तरीके से हम इनको लिखते हैं वो अब देखते हैं यूजिंग रैशनल नंबर टू डिड्यूज़ द लॉज ऑफ़ एक्सपोनेंट हम रैशनल नंबर को किस तरीके से यूज़ करते हैं इन लॉज ऑफ़ एक्सपोनेंट को रिड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट लॉ मैन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट जब हमारे पास बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो हम कैसे लिखते हैं कि टू रेज टू पावर थ्री एंड टू रेज टू पावर टू अब हमने टू रेस थी पावर थ्री है तो इट मीन्स को टू को थ्री टाइम्स लिखा है और यहाँ पे टू को टू टाइम्स लिखा है अब जब सबको सिंपल करके लिखेंगे तो हमारे पास टू बनेंगे फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो हमने टू बेस एक बार लिख दी और फाइव एक बार लिख दिया फ्रॉम द अबव वी कैन नोटिस द सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन बाई एडिंग द एक्सपोनेंट ऑफ टू नंबर्स यानी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास आंसर सेम यही आएगा टू पावर एक ही बार लिखी बेस की थ्री प्लस टू तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टू डेज पार फाइव यानी हमारे पास जब एक्सपोनेंट बेसिस सेम होती हैं तो हम एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं सिमिलरली थ्री माइनस थ्री बाई फोर की पावर टू और माइनस थ्री बाई फोर की पावर फाइव हो तो उसको किस तरह लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यानी वो दोनों क्या कर देंगे टोटल करके हमारे पास आए माइनस थ्री बाई फोर सेवन जब हम इसको शॉर्ट टर्म में यूज़ करेंगे तो कैसे शॉर्ट मेथड में यूज़ करेंगे माइनस थ्री बाई फोर टू और फाइव को दोनों को एक ही बार बेस में लिख के दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम वही आएगा जो हमारे पास यहाँ पे आया है माइनस थ्री बाई फोर का सेवन तो हमें क्या पता चला कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दो रैशनल नंबर्स को सेम बेस से तो हमारा जो एक्स आंसर है एक्सपोनेंट का वो अलग आएगा लेकिन हमारे पास बेस जो है वो अनचेंज रहेगी ठीक है तो इसमें हमने क्या किया कि ए हमारे पास अगर ए और दो रैशनल नंबर्स हैं और उनकी बेसिस डिफरेंट है बेसिस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो हम बेस को एक बार लिख के एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम यानी आपकी बेसिस डिफरेंट हो एक्सपोनेंट सेम हो जैसे टू रेज पावर थ्री एंड फाइव रेज पावर थ्री तो आप क्या करेंगे कि टू को थ्री टाइम्स लिखेंगे और फाइव को थ्री टाइम्स लिखेंगे अब हम इनकी पेयरिंग कर लेंगे टू और फाइव को एक साथ लिखेंगे दूसरे टू और फाइव को एक साथ लिख देंगे थर्ड फिफोर टू और फाइव को एक साथ लिख देंगे तो ये बन जाएगा तो टू इंटू फाइव तो टू इंटू फाइव टू इंटू फाइव अब ये हमारे पास थ्री टाइम्स टू इंटू फाइव पड़ रहा है तो बेस को हम एक बार लिखेंगे और ऊपर हम थ्री एक्सपोनेंट डाल देंगे विच मीन्स इट इज़ डिवाइड इट इज़ मल्टीप्लाइंग बाई थ्री थ्री टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है वन माइनस वन बाई फोर की पावर थ्री है और मल्टीप्लाई है थ्री बाई फोर की पावर थ्री पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में ओपन करके लिखेंगे फिर हम इसकी पेयरिंग करेंगे माइनस वन बाय फोर थ्री बाई फोर का एक पेयर माइनस वन बाय फोर थ्री बाई फोर का सेकेंड पेयर एंड माइनस वन बाय फोर एंड थ्री बाई फोर का थर्ड पेयर और हमारे पास बेस बना के इसकी पावर आ जाएगी थ्री हमें लास्ट एग्जाम्पल से क्या फ़ाइंड आउट किया वाइल मल्टीप्लाइंग टू रैशनल नंबर्स हैविंग द सेम एक्सपोनेंट द प्रोडक्ट ऑफ द टू बेसिस इज रिटन विद द गिवन एक्सपोनेंट सपोज टू रैशनल नंबर्स आर ए एंड बी जब हमारे पास दो रैशनल नंबर बने हैं ए और बी तो हम उन दोनों को साथ लिखेंगे और उनकी पावर को भी ऊपर साइड पे लिख देंगे क्योंकि उनकी पावर्स क्या थी सेम सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हम इनको एक फॉ सिम्प्लीफाई करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइव पावर थ्री मल्टी इंटू फाइव पावर फोर इसको हम सॉल्व करेंगे जब हमारे पास बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं बेस को एक बार लिख के एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं थ्री प्लस फोर सेवन तो फाइव रेज डी पावर सेवन सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है माइनस थ्री पावर थ्री इंटू माइनस टू डिजी पावर थ्री अब हमारी बेसिस डिफरेंट हैं लेकिन एक्सपोनेंट सेम है तो हम बेसिस को साथ लिख देंगे थ्री इंटू टू डेजरी पावर थ्री अब थ्री टू जिक्स होता है तो सिक्स कर दिया और पावर जो है हमने थ्री कर दी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइनस वन बाय फोर की पावर टू इंटू टू बाई थ्री की पावर टू अब हमारे पास बेसिस जो है वो डिफरेंट हैं लेकिन एक्सपोनेंट सेम है तो हम दोनों के एक्सपोनेंट को साथ लिखेंगे और बेस को बाहर कर देंगे वन बाय फोर इंटू टू बाय थ्री डेजरी पावर टू अब इनको सॉल्व करते हैं वन टू जो टू फोर थ्री जो ट्वेल्व तो टू बाई ट्वेल्व है तो टू वन जो टू एंड टू सिक्स जो ट्वेल्व तो वन बाय सिक्स रेज दि पावर टू हमारा आंसर आ गया नेक्स्ट हमारे पास है थ्री बाय टू माइनस थ्री बाई टू इंटू माइनस थ्री बाई टू और थ्री और फोर हमारे पास एक्सपोनेंट है तो जब हमारे पास बेस सेम होती है तो बेस हम एक बार लिखते हैं और एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है दैट इज़ माइनस थ्री बाय टू रेज पावर सेवन This is for today's lesson. We will write back with another lesson.